जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय वर्णन का भाग हमने लिया है पहला तिमोथियस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 16वां वचन। वचन कहता है, फिर भी मुझ पर इस कारण दया हुई कि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे कि मैं उनके लिए जो उस पर अनंत जीवन के निमित्त विश्वास करेंगे आदर्श बनूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। ये वचन हमें क्या बताता है? इस वचन में पौलुस अपनी बात कर रहा है, वो अपने आप को बहुत बड़ा पापी कह रहा है। क्या उसकी बहुत बड़ी दीनता है? क्या उसका ये दीनता का दिखावा है? नहीं मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, तो हम अपनी अपवित्रता को देखते हैं। हम छोटी से छोटी अपने अपवित्रता को, हम छोटे छोटे अपने गलत विचार को महसूस करते हैं और हम डरते हैं कि कहीं हम परमेश्वर की निगाह में गलत साबित ना हो जाए, हम कोई ऐसी बात ना करें जो परमेश्वर की ज्योति हमसे छिन जाए, हम कुछ ऐसा ना करें जो परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। इसलिए जो परमेश्वर के करीब है वो अपने आप को जांचता है, हर पल हर क्षण हर मौसम में हर दिन हर विचार के द्वारा वो अपने आप को जांचता है कि मैं कहीं कोई भी ऐसा काम ना करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। यहाँ पर पौलुस अपने आप को जांच रहा है, यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि हमें किस तरीके से जब मैं परमेश्वर के करीब होता हूँ, जब मैं परमेश्वर के करीब होता हूँ तो मुझे एहसास होता है हर पल कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी दृष्टि, क्योंकि मैं संसार में हूँ, मैं गलत बातें देख रहा हूँ, मैं गलत बातें सुन रहा हूँ, मुझसे कहीं ना कहीं गलत बातें मेरे मुँह से निकल रही हैं, तो वो सारी चीजें कहीं मुझे परमेश्वर से दूर ना कर दें, क्योंकि मैं परमेश्वर के करीब हूँ, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति मुझ में आ गई है, क्योंकि अंधकार मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि मैं पाप को समझने लगा हूं कि पाप क्या है। मेरे भाई, अगर कोई ये कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, अगर कोई ये कहता है कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूं और वो घमंड करता है, तो वो परमेश्वर से बहुत दूर है। जितने भाई जितनी बहनें, अगर आप परमेश्वर के करीब हैं तो आप डर के साए में जिंदगी जीते हैं। नीति वचन 1:7 कहता है, यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। अगर वो भय आपके अंदर है तो आप परमेश्वर के करीब हमेशा रहेंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें अपने आप को, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को पापी महसूस करना है, लेकिन हमेशा डरना है। दो पंक्तियां मुझे परमेश्वर ने दी है, मुझ पर दया यीशु तू कर, मुझ पर कृपा यीशु तू कर, लालच से मुझको तू दूर कर, अभिमान मेरा तू चूर कर, मैं पापी हूँ। सुना दोस्तों आपने, ये कृपा, ये दया, इसकी प्रार्थना हमेशा हमारे मन से परमेश्वर के चरणों में होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की ज्योति में सदा बने रहें। आप सोचिए इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बेटा दिया, वो बेटा बड़ा हुआ, इब्राहिम अपने बेटे इसहाक से प्यार करने लगा और परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है, देख तू अपने बेटे की बलि दे मेरे लिए, अपने बेटे की बलि दे और मौर्या देश को जा। हालेलुया, बेटा इब्राहिम के लिए बहुत प्यारा था, लेकिन इब्राहिम अपनी पवित्रता से, परमेश्वर के संबंध से कोई भी वो चांस लेना नहीं चाहता था, वो कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता था जिससे उसकी घनिष्ठता, उसका संबंध प्रेम, उसका संबंध परमेश्वर से दूर हो जाए, वो कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसी समय उसने कहा, यस लॉर्ड,
हाँ मेरे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। और वो 3 दिन की यात्रा में मौर्य देश को गया और अपने बेटे को लेके गया, साथ में लकड़ी लेके गया, साथ में आग लेके गया। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब हम परमेश्वर आपको जान जाते हैं, जब आपकी उपस्थिति हमारे अंदर आती है, यहाँ पौलुस यही कह रहा है कि मैं जान गया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी कीमत, कोई भी ऐसी बात मेरे अंदर ना आए जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे, जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे, क्योंकि मैं उसकी उपस्थिति में ही सुख पाता हूँ, उसकी उपस्थिति में ही जीवन पाता हूँ। क्योंकि वही है, जिस दिन आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, जिस दिन आप उसकी उपस्थिति में जीवन बिताने लगेंगे, आप संसार को त्याग देंगे। आपके लिए संसार कोई मायने नहीं रखेगा, आपके लिए रिश्ता कोई मायने नहीं रखेगा, आपके लिए कोई भी आपकी इच्छा कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को आप भाव करें। याद करिए मरियम की, जब यीशु मसीह ने जन्म लिया मरियम के कोख से, और उसे आदेश हुआ परमेश्वर की ओर से कि उठ और जा मिस्र की ओर भाग, क्योंकि हेरोदेस राजा उस बच्चे को मारना चाहता है। दोस्तों, कुछ अरसे पहले मैं इसराइल गया था और वो मिस्र की उस जगह पर गया था जहां पर मरियम और जोसेफ 3 महीने रहे थे। नील नदी के पास वो जगह है, मैंने जाकर देखी। मैं उस अंदर उस कोठरी में गया और मैंने उस कोठरी में महसूस किया मरियम के प्यार को, मैंने महसूस किया मरियम के समर्पण को, मैंने महसूस किया मरियम के त्याग को। वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार थी, वो संसार छोड़ने के लिए, वो भूख सहने के लिए तैयार थी, सता सहने के लिए तैयार थी, कुछ भी जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है उसे कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो 3 महीने उस अंधकार कोठरी में रही ताकि वो अपने बच्चे को, उस बच्चे को बचा सके जिसको परमेश्वर ने दिया है उसके कोख में, जिसने परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उस आज्ञा के अनुसार वो चले। धन्य है मरियम, धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने मरियम को चुना और उसके द्वारा उद्धारकर्ता धरती पर आएगा। दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे मन में कोई बात डालता है, बिना झिझके हमें उस बात को पूरा करना है, बिना झिझके, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई डर के, बिना कोई लालच के, बिना किसी भी बात के हमें उस बात को पूरा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोना नहीं चाहते हैं। हम कुछ भी खो सकते हैं, हमें कुछ भी खोना है, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खोना है, क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्रता को, उसकी ज्योति को जान गए। धन्यवाद देते हैं हमारे सुनने वाले और देखने वाले हर भाई बहन के लिए। परमेश्वर, मैं आशीष मांगता हूँ कि जो पवित्रता मेरे भाई बहनों के अंदर है, जो ज्योति मेरे भाई बहनों के अंदर है, वो कभी बुझे ना, वो कभी भी ना जाए, संसार उस ज्योति को हमसे छीन ना सके, संसार परमेश्वर की उपस्थिति को हमसे दूर ना कर सके, हम कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारे अंदर है। इसलिए हम डर के साथ, भय के साथ परमेश्वर के जीवन को, अपने जीवन को जो इस संसार में रहकर हमें बिताना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए निभाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू महान है, तू जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, तू हमारे निकट आया, तूने हमें ज्योति दी, तूने हमारी बुद्धि खोली, तूने अपना प्यार हम में उड़ेला, और ये प्यार हमारे अंदर बना रहे। पिता परमेश्वर, हम इसी प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे करीब रहे, हम तेरे करीब रहे, हमारी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर हमारे जीवन में। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन।